हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो नीट महासंग्राम की सीरीज में आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दो प्रेजेंट बोल के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो WHO के अकॉर्डिंग, WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है कि इंसान को फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर वाइज और सोशली उसको क्या है, टोटल उसका बैलेंस होना चाहिए, वो वेल बींग की स्टेट में होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिवली फिट है पूरे तरीके से। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की बात करें तो 1951 में इसको भारत में लागू किया गया था। अब कुछ फुल फॉर्म अपने से पूछ ली जाती हैं इस चैप्टर की, जैसे कि RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में स्थापित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अमनियोसेंटेसिस की। देखो अमनियोसेंटेसिस में होता क्या है, जो डेवलपिंग फीटस होता है उससे अमनियोटिक फ्लूड ऐसे इंजेक्शन से निकाल लिया जाता है। अब इंजेक्शन से हमने फ्लूड निकाल लिया, अब उसकी हम क्या करते हैं, उसको लैब में उसका टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि भाई वो लड़का है कि लड़की है, है ना। तो इसको बैन कर दिया गया था, क्यों, क्योंकि पता ही अपने देश में कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड की वजह से इसको बैन कर दिया गया। अब अपने को देखने हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब है प्रेगनेंसी होने से रोकनी है, तो प्रेगनेंसी होने से कैसे रोक सकते हैं, नेचुरल तरीके से भी रोक सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से भी रोक सकते हैं। तो नेचुरल मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं, कौन से होंगे, पीरियोडिक अब्सटिनेंस। देखो इसको ऐसे याद रखना कि इस पीरियड के दौरान मेटिंग को अवॉइड करना है। किस पीरियड के दौरान, तो जाहिर सी बात है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ऐसे जो दिन होंगे जहां पर ओव्यूलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उन दिनों में क्या है, मेटिंग को अवॉइड करना है। 10-17 डेज ऑफ ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल जहां पे ओव्यूलेशन के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है विदड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। नाम से ही पता लग रहा है कि विदड्रॉ कर लिया गया किसको, पेनिस को, जस्ट बिफोर इजेकुलेशन। मेरे ख्याल से सब समझदार हैं, समझ गए होंगे। लैक्टेशनल अमेन्योरिया, इसमें क्या है, देखो किसी माँ का बच्चा पैदा हुआ, अब 6 महीने तक उसकी क्या है, इंटेंस लैक्टेशन चलेगी, मतलब वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, जाहिर सी बात है। तो उस दौरान 6 महीने तक क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसमें क्या है, ओव्यूलेशन उसमें अब्सेंट रहती है। अब ओव्यूलेशन ही नहीं होगी तो बच्चा कहां से पैदा होगा, है ना, सीधी सी बात है, क्योंकि वो पहला बच्चा पैदा हुआ है, वो 6 महीने तक इंटेंस लैक्टेशन चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड की, जिसमें बैरियर मेथड आ जाएंगे, केमिकल मेथड आ जाएंगे, IUD यानी इंट्रा यूटरिन डिवाइसेस आ जाएंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ जाएंगी, सर्जिकल मेथड आ जाएंगे, इंजेक्शन एंड इंप्लांट्स आ जाएंगे। तो बारी बारी से बात करेंगे, सबसे पहले बैरियर मेथड की बात करेंगे, जिसमें कॉन्डम्स आएंगी। देखो कॉन्डम्स मेल के लिए भी होती है, फीमेल के लिए भी, जनरली हम क्या याद रखते हैं कि कॉन्डम सिर्फ मेल के लिए होते हैं, बट फीमेल के लिए भी होती है। किससे बनी होती है, थिन रबर से बनी होती है, लेटेक्स शीट इनसे वो बनी होती है, डिस्पोजेबल होती है, एक बार यूज करके फेंक दिया, सेल्फ इंसर्टेड, मतलब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद उसको यूज कर सकते हो, प्रोवाइड, है ना, अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही यूज कर सकते हैं, तो प्राइवेसी भी वो प्रोवाइड करती हैं। डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होती हैं, रबर की बनी होती है, रीयूजेबल होती है। कॉन्डम को क्या है, डिस्पोजेबल, यूज करके फेंक दिया, ये रीयूजेबल होती है। डायग्राम्स की बात करें तो ये कुछ डायग्राम NCERT में दिए हुए हैं, ये भाई कॉन्डम्स फॉर मेल हो गया, शायद सबको पता होगा, कॉन्डम्स फॉर फीमेल ये सबको शायद ना पता हो, ये डायग्राम हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंट्रा यूटरिन डिवाइसेस, IUDs की बात करने वाले हैं। तो NCERT की लाइन आपको याद रखनी है कि ऐसी फीमेल जिनको प्रेगनेंसी को डिले करना है उनके लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, IUDs हैं, है ना। और NCERT क्या लिखती है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया, है ना, ये NCERT की लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। तो 3 तरीके की होती है, नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग हॉर्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड में क्या होगा कि ये स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देंगी, फेगोसाइटोसिस मतलब उसको खा के खत्म कर देंगी, एग्जाम्पल है लिप्स लोब। कॉपर रिलीजिंग की बात करें तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देंगी, अब स्पर्म मोटाइल ही नहीं रहेगा तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। हॉर्मोन रिलीजिंग की बात करें तो ये यूट्रस को ही इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन क्या होगी, देखो यहां पर अपना क्या है, जाइगोट बन चुका है, अब वो फीमेल से, फीमेल की जो दीवार है अंदर यूट्रस की, उससे ऐसे चिपकेगा, है ना, तो वो चिपकने से रोकती है, ये इम्प्लांटेशन से रोकती है। ठीक है, इसके एग्जांपल है प्रोगेस्टेजर्ट एंड LNG20।
अब नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड, जिसमें ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी, देखो नाम से ही पता लग रहा है, ट्यूबेक्टोमी में मतलब ट्यूब के साथ यानी फेलोपियन ट्यूब के साथ कुछ किया गया है, वेसेक्टोमी में वैस आ रहा है मतलब वास डिफरेंस के साथ कुछ किया गया है। इसमें क्या करेंगे, ट्यूबेक्टोमी देखो ये फेलोपियन ट्यूब को काट के ऐसे बांध दिया, इसमें वास डिफरेंस को काट के ऐसे बांध दिया, है ना, एक तरीके से नसबंदी जिसको बोलते हैं, वो ये मामला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, ओरल पिल्स की बात करने वाले हैं। अबे आजा आजा आजा, ठीक है, ओरल पिल्स की बात करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, ओरल पिल्स में प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, और ये टेबलेट की फॉर्म में यूज की जाती है, जो आती है ना दुकानों पे, केमिस्ट पे, है ना, और इनको पिल्स बोल दिया जाता है। तो ये क्या करती है, ओवुलेशन को भी रोकती है, इम्प्लांटेशन को भी रोकती है, है ना, एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को ऑल्टर कर देती है, जिससे जो स्पर्म की एंट्री थी वो या तो रुक जाती है या रिटार्ड हो जाती है। अब यहां पर आपको एक सहेली जरूर याद रखनी है कि सहेली वंस वीक पिल है, पहली बात, दूसरी बात नॉन स्टीरोइडल है, तीसरी बात इसको कहां डेवलप किया गया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां, लखनऊ में इसको, है ना, कहां पर डेवलप किया गया, CDRI लखनऊ। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लांट्स इंजेक्शन, देखो पिल्स तो ऐसी होती है कि आपने खाई और उसका असर आया, है ना, और इम्प्लांट या इंजेक्शन कैसे है, फॉर एग्जांपल यहां हाथ में लगवा दिया उसको, इम्प्लांट को हाथ में लगवा दिया, अब उसकी वैलिडिटी है मान लो 6 महीने, मतलब 6 महीने तक वो, है ना, रिलीज करता रहेगा जो भी हार्मोन है जो रोक रहे थे, तो वो, है ना, अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आ जाएगा, है ना। एक्शन कैसा है, सिमिलर टू पिल्स है, बस इनका इफेक्ट जो है लंबे समय तक, 6 महीने तक चल रहा है, 8 महीने तक चल रहा है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं MTP की, MTP की फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब वॉलेंट्री तरीके से, है ना, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है फिर वॉलेंट्री तरीके से, मतलब डॉक्टर के पास जाके उसका बच्चा बाहर निकलवा दिया गया, उसको बोलते हैं, है ना, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब खत्म कर दिया, टर्मिनेट किसकी, प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया है। तो इसको लीगलाइज कर दिया था इंडिया में 1971 में, बट बहुत सारी इसकी कंडीशंस है, ऐसे ही नहीं कि कोई भी जाके करवा लेगा, नहीं, कुछ ऐसा केस आया, फॉर एग्जांपल रेप का केस है या कुछ ऐसी कंडीशन है, तो सरकारी परमिशन के साथ इसको करवाया जा सकता है। तो सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर तक कराओगे तो सेफ रहती है, उसके बाद क्या है, जो मां है उसको भी नुकसान, है ना, हेल्थ का नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं STDs की। देखो ये तीनों ही एक ही मतलब है, STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, RTI यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, VD यानी वेनरल डिसीज। अब इसमें कौन सी है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनेटल हर्पीस है, HIV है, क्लैमिडियासिस है, जेनेटल वॉट्स है, ट्राइकोमोनियासिस है, और हेपेटाइटिस बी है। अब इनमें से आपके सामने क्वेश्चन आ जाए सबसे खतरनाक कौन सी है, तो आपको भी पता है HIV यानी एड्स वाली सबसे डेंजरस है, बंदे को हो गई तो वो टपके गई। नॉन क्योरेबल मतलब एक बार इंसान को हो गई तो वो ठीक नहीं हो पाएगी, एक बार इंसान को हो गई तो वो ठीक नहीं हो पाएगी, वो नॉन क्योरेबल है। कौन सी है, HHH, इसमें याद रखना HHH याद रहा, हर्षिता हरामी है, क्यों, क्योंकि वो मेरे को छोड़ के चली गई इसलिए हरामी है, ठीक है। अच्छा, तो HIV, H से हेपेटाइटिस बी और H से हर्पीस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है इनके सिम्टम बताएगी, अर्ली सिम्टम क्या होते हैं, ईचिंग, स्वेलिंग, फ्लूड डिस्चार्ज, है ना, और बट ऐसी कंडीशन बताएगी शुरू शुरू में ये हो रहे हैं, डॉक्टर से इलाज करवा लिया बहुत अच्छी बात है, बट इनको आपने ध्यान ही नहीं दिया, अनडिटेक्टेड रह गई, अनट्रीटेड, आपने इलाज नहीं करवाया, ध्यान नहीं दिया, तो बाद में क्या ये गंभीर समस्या भी हो सकती है, जैसे अबोर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ये पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज, ये सब भी हो सकती है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो इसको ठीक कैसे किया जाए, आर्ट यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या टेक्नोलॉजी, कुछ भी बोल लो भाई, ठीक है। तो दो तरीके से, इनविट्रो इनविवो, इनविट्रो और इनविवो में फर्क क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल बॉडी के बाहर हो रही है, लेबोरेटरी में ही कर रहे हैं वो, है ना, बाहर हो रही है तो इनविट्रो, और फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल के अंदर हो रही है तो इन विवो केस हो जाएगा। तो इन विट्रो में क्या आएगा, जिफ्ट आएगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया गया, बट अप टू 8 ब्लास्टोमर आपको याद रखना है, और 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा कंडीशन आ गई कि मोर देन 8 ब्लास्टोमर तो फेलोपियन ट्यूब में नहीं करेंगे, कहां करेंगे, यूट्रस में ही कर देंगे, फेलोपियन ट्यूब तो अंदर होती है ना, तो वो अर्ली स्टेज पे है तो फेलोपियन ट्यूब, थोड़ा मैच्योर हो गया है कि 8 ब्लास्टोमर के बाद तो यूट्रस में कर देंगे, जिसको इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर बोल देंगे। ICSI क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कि स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया गया है ओवम के अंदर। ठीक है, इधर बात करें तो गिफ्ट आ जाएगा एंड AI आ जाएगा। देखो गिफ्ट में क्या होगा, मान लीजिए ये भाई
हस्बैंड है और ये वाइफ है, और ये वाइफ जो है, हस्बैंड तो ठीक है बिल्कुल बढ़िया है, स्पर्म इसका सब कुछ सही है, ठीक है, वाइफ जो है ये ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, बट ये बच्चे को है ना क्या है 9 महीने तक अंदर रख सकती है, उसका सब कुछ बाकी ठीक है, बट ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, तो क्या होगा, यहां पर एक डोनर वुमेन आएगी, डोनर फीमेल आएगी, डोनर से ओवम लेके इस जो बीमार पत्नी है इसके अंदर है ना इंसर्ट कर दिया जाएगा, तो इसके पास ओवम आ गया और ये इम्प्लांटेशन और वो सब कर ही सकती थी, तो ओवम फ्रॉम डोनर है ना, डोनर से ओवम ले लिया गया, उसको कहां ट्रांसफर किया गया, फेलोपियन ट्यूब ऑफ अबनॉर्मल फीमेल, आगे वो सेम ही चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या है कि ये हस्बैंड है ये वाइफ है, वाइफ बिल्कुल एकदम सही है, बट हस्बैंड में थोड़ी गड़बड़ी है, गड़बड़ी मतलब हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, या हो सकता है उसके स्पर्म जो है अच्छी क्वालिटी के नहीं है, अच्छी क्वालिटी के मतलब इस हालत में नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर पाए, तो क्या होगा, या तो हस्बैंड के अगर लो स्पर्म काउंट है तो उन्हीं को कंसंट्रेट कर करके बारी बारी से है ना यूज कर लिया जाएगा, या फिर किसी डोनर से स्पर्म लिया जाएगा और इंजेक्ट कर दिया जाएगा, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया जाएगा इस वुमेन में जो वाइफ थी, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो कुछ इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, थैंक यू, धन्यवाद।